कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को विकास में पूरी तरह से असफल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन्हीं के कार्यों का उद्घाटन किए जा रहे हैं, जिसका कार्य पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के कार्यकाल में शुरू हुआ था और वाहवाही लूटने का प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार ने काम किए होते तो मुख्यमंत्री को कांग्रेस को कोसने की जरूरत न होती। मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में जाकर अपने कार्य का बखान करते, न कि कांग्रेस को नीचा दिखाते। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर इस मर्तबा कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, इसी वजह से जीती, क्योंकि लोगों ने देखा कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं और ये भाजपा होने जा रहे हैं, उनका कोई भी विकास के क्षेत्र में योगदान नहीं है। अभी मैं जानकारी हासिल कर जिलों में जाकर जो परियोजनाएं और जो काम सरकार के द्वारा किए गए हैं उनका विधिवत रूप से उन्होंने उद्घाटन किया और आज कल उन्होंने वही काम लोगों को समर्पित किए जो पिछली सरकार ने कर दी थी, चाहे वो पीने के पानी की स्कीम जिसमें चंडी पेयजल योजना जिसमें कितना खर्चा हुआ 22 करोड़ के लागत से वो बनकर तैयार हुई थी, वो भी पूर्व सरकार ने ही बनाकर दी, आज उन्होंने उसका उद्घाटन किया। दूसरी स्कीम हमारा जो ब्रिज बना है उस ब्रिज का पैसा भी